सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईक्यू के Z9 डिवाइस के अंदर अपने फ़ोन के अंदर बैटरी सेवर सेटिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस, अगर आपकी आपका भी फ़ोन भी बैटरी का पावर कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है तो आप इसको बैटरी सेवर की मदद से कम कर सकते हैं। पहले से इनेबल करने के 2 वे मिलते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल सेंटर भी हमें मिलता है, अगर हम चाहें तो यहाँ से भी बैटरी सेवर को ऑन कर सकते हैं। हालांकि जिनके फ़ोन के अंदर ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा है तो पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है एंड इस ऑप्शन को ड्रैग कर लेना है जहाँ पर आपको रखना है। तो इस तरीके से आपका भी बैटरी सेवर इसके अंदर आ जाएगा, देन इसको यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे। मैं आपको इसका मैनुअल सेटिंग फॉलो करूँगा ताकि आपको इजी हो इसके सभी सेटिंग्स को जानने के लिए। स्क्रॉल करके नीचे आ रहा, ऑलमोस्ट आपको हर एक फ़ोन के अंदर शॉर्टकट बैटरी का ऑप्शन मिलता है, इसको प्रेस करेंगे। बैटरी सेवर यहाँ पर है, अगर ये इनेबल्ड नहीं है तो आप इसको इनेबल करेंगे। आपके फ़ोन के अंदर इसके रिकॉर्डिंग बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसमें बैटरी लेवल लो का सेट कर सकते हैं कि आपकी बैटरी कितने परसेंट आएगी। ये जो है लो पावर का आपको रिमाइंड है। चार्जिंग सेटिंग्स आपको मिल जाता है, ये ऑप्टिमाइज़ करता है चार्जिंग सेटिंग्स को लाइफ के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। यूट्यूब हमारा 20% बैटरी यूज़ करा, जो कि 1 आवर 60 मिनट में यूज हुआ। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन से मैनेज आउट कर सकते हैं। एंड गाइज, इसके अंदर और भी चीज़ें मिलती हैं, जो ऐप्स नॉर्मली बैकग्राउंड में रन करता है वो भी टिपिकली बैकग्राउंड से बैटरी का यूज़ करता है, तो उसको आप अगर रिमूव करेंगे तो आपका बैटरी कंजप्शन कम होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो जाकर ट्राई कर सकते हो। बैटरी सेवर को ऑन करना है तो कंट्रोल सेंटर को डाउन करके यहाँ से इंस्टेंट ही एक सिंगल क्लिक के अंदर अपने बैटरी सेवर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आई थिंक समझे होंगे इस सेटिंग का एक्सेस कैसे करना था आईक्यू के Z9 डिवाइस के अंदर।